नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आप सभी से यही आशा रहेगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम साईं के चमत्कारों की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कहते हैं, जो बाबा के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। भक्तों, यह सत्य घटना हमें भेजी है साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से स्वयं राम गुप्ता ने। दोस्तों, आज से लगभग 20 साल पुरानी यह एक सत्य घटना है। जब राम गुप्ता छठवीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय नवरात्र का समय चल रहा था और बाबा का दिन गुरुवार था। वैसे तो हर दिन बाबा की कांकड़ आरती, बाबा की धूप आरती, मध्यान्ह आरती और सेज आरती करने राम गुप्ता जी प्रतिदिन बाबा के मंदिर में जाया करते थे। बड़ी श्रद्धा भाव से बाबा की कांकड़ आरती करने के बाद, बाबा को फूल और पुष्प अर्पण करने के बाद बाबा को भोग लगाया करते थे और बाबा के नाम का जयकारा साईं के भजन और साईं मंत्र से एक घंटा बाबा की अरदास करने के बाद वह घर को प्रस्थान किया करते थे। उस दिन जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर कैसे बाबा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। जी हाँ, उस दिन गुरुवार था। हर दिन की भांति मैं बाबा के मंदिर आया। बाबा के मंदिर आने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद मैंने सर्वप्रथम बाबा का अभिषेक कराया। अभिषेक कराने के बाद फिर बाबा को वस्त्र अर्पण किया। उसके बाद बाबा की कांकड़ आरती करने के लिए मैंने तैयारी की और कांकड़ आरती करने के बाद, बाबा को भोग अर्पण करने के बाद मैंने क्या देखा कि मुझे बाबा की द्वारका माई जाना था और मैं द्वारका माई जाने के लिए जैसे ही निकलने वाला था तो द्वारका माई और समाधि मंदिर के बीच में लगभग 50 मीटर का फासला है और बगल में एक कुटिया है जिसकी गली से मुझे क्रॉस करके जाना रहता था। मैंने देखा कि जैसे ही मैं उस कुटिया से क्रॉस कर रहा था तो उस कुटिया के दरवाजा के पास कुछ बहुत तेज, मतलब सूर्य से भी तेज कुछ रोशनी आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। मैंने सोचा कि हो सकता है हाई वोल्टेज के कारण बल्ब कभी कभी तेज जलने लगते हैं। मैंने सोचा, फिर मैं आगे द्वारका में गया, पूजा करा, फिर आया, मैंने देखा कि वो अभी भी जल रहा है। मैं बोला, क्यों ना देखा जाए, जाके आखिर वहाँ पर है क्या। मैं धीरे धीरे गया आगे और जब मेरी नज़र पड़ी सामने कुटिया के अंदर तो मैं देखकर हैरान हो गया। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। साक्षात शिरडी के साईं बाबा सफेद पोशाक में, हाथों में पीला कमंडल और चिमटा लिए खड़े हुए हैं। मैं देख के हैरान हो गया कि बाबा ने मुझे दर्शन दिया। किस जन्म का पुण्य है ये, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। और मैं फिर, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं बाबा के चरणों में वहीं पर लेट गया। और साईं सबका मालिक एक बाबा बहुत बहुत धन्यवाद करके 10 मिनट तक बाबा का अरदास करने लगा कि बाबा आपने मुझे दर्शन दिया, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ साईं, बहुत ही किस्मत वाला हूँ साईं। मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता कि बाबा के चेहरे का तेज कितना ही प्यारा था। ऐसी मनमोहक तस्वीर साईं की थी, ऐसा चमकता चेहरा साईं का था जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। दोस्तों, ये सत्य घटना मैं आज सोचा आप लोगों से साझा करूं जो मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ था, जब बाबा ने मुझे दर्शन दिया। 10 मिनट के बाद जब मैं उठा तो मैं देखा कि बाबा अंतर्ध्यान हो गए।
बाबा अंतर ध्यान हो गए, मैंने सभी को बताया। उन्होंने कहा कि तेरी भक्ति सच्ची थी, हर दिन बाबा का करता था पूजा। उसी के कुछ दिन बाद बाबा ने मुझे शिरडी बुलाया और मैं बाबा के दर्शन परिवार सहित किया। तो ये चमत्कार मेरे जीवन का साईं के साथ हुआ। कहते हैं कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं। अगर आपके साथ भी कोई सत्य घटना हुई हो, आपको भी साईं का साक्षात्कार हुआ, तो आप उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें वीडियो बना कर भी भेजें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बाबा की यह चमत्कार के वीडियो का हमने टारगेट 1,00,000 लाइक रखा है और हमें पता है कि यह आप एक दिन में कर देंगे, क्योंकि आप भी साईं के दर्शन कर चुके हैं और बाबा के चमत्कार से आप भी साक्षात अवगत हैं। तो सच्ची श्रद्धा से वीडियो को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा बटन को दबाकर प्रवेश कीजिए साईं के इस चैनल पे। मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय साईनाथ। Oh.